गजर रख सबर रख, तेरे पीछे शेर लगा हुआ है क्या? ओए ओए, गाड़ी चला रहा क्या हवाई जहाज? और चाचा के स्कूटर का डैश कर दिया। अरे गया राम, ये स्कूटर तो गया। अरे नहीं आया राम, स्कूटर तो आया है, वो देखो। पहले रिंगर रिंगर रोजेस करवाया और अब सी सॉ करवा रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे गया राम, ये तो फिर से आया। अरे नहीं आया राम, ये तो फिर से गया। ओ ये हो क्या रहा है? ओए, ये रेडियो किसका है? आया राम, गया राम, ध्यान से सुनो, पीली पहाड़ी पे काला सोना मिला है, जल्दी वहाँ पहुँचो। ओवर एंड आउट। हे, पीली पहाड़ी पे काला सोना? उस सोना तो पीला होता है, काला कैसे हो सकता है? ओए जी, उन दोनों ने मेरा मुंह काला कर दिया, लेकिन मैं भी छोड़ूंगा नहीं उनको। रे बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, और कौन थे वो दोनों? ओए जी, ये रेडियो मिला है मुझे उनका। चाचू, ये रेडियो नहीं, वॉकी टॉकी है। ओए पतीचे, इस पे आवाज आई थी। आया राम, गया राम, काली पहाड़ी पे पीला सोना मिला है, जल्दी आ जाओ। क्या सोना? काली पहाड़ी पे पीला सोना? आ सोना सोना सोना, मेरा सोना। सोने का बिस्कुट सुना था, सोने का पहाड़। अरे बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, और यो तो सरकारी खजाना से। और आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? खबर फैल गई तो काली पहाड़ी का ट्रैफिक जाम हो जाएगा। इसकी बैटरी की चार्जिंग कम हो गई है, अब तो काली पहाड़ी पे ही जाना होगा। मनमोजी सर जी, खुले कान से और बड़े ध्यान से सुना है, काली पहाड़ी पे पीला सोना मिला है। तो फिर भतीजे की गैंग को रोकने का प्लान बनाना होगा। सबको बुलाओ। जिसके नसीब में जितना है उसे उतना ही मिलेगा, सब हम बटोर लेंगे, किसी के हाथ कुछ नहीं लगेगा। मैडम जी, जीत के चारों टायरों की हवाई गुले। ओ बावड़ी पूछ भैंस की पूछ, तो काली पहाड़ी पे के हवाई जहाज ले जाएंगे के? अरे चाचू, ये सब साथ में क्यों ले रहे हो? ओए पतीजे, पहाड़ी पे चढ़ने के लिए रोप की जरूरत पड़ेगी, और अंदर खुदाई करने के लिए ये फावड़ा और कुदाल। चाचू, इस सब की जरूरत नहीं है, ये पेन है ना? ओए पतीजे, ये वो ही पेन है ना जो ड्रिलिंग करता है। चाचू, ये क्या, स्कूटर की तो हवा गुल है। हे, वो ये कब हुआ? योगी, क्या कर रहे हो? छुप जाओ। चाचू कोई नहीं, हम खोजी अंकल की करामाती कार ले जाते हैं काली पहाड़ी। ओ रोजे, अब ये इन्फॉर्मेशन मनमौजी को देते हैं। ओए पतीजे, इनको कैसे खबर लग गई? चाचू, इसलिए तो जानबूझकर करामाती कार का जिक्र किया था मैंने। ओए पर मेरे स्कूटर की हवा। चाचू, ये पेन बड़े काम की चीज है। ओ जी पतीजे की सोच और खोजी की खोज का कोई जवाब नहीं। मनमौजी सर जी, वो तो करामाती कार लेकर जाने की बात कर रहे हैं। मनमौजी करे खोज और मारे मौज, मुझे पता था वो खोजी के पास ही जाएंगे। हेलो उछलम कूदम, तुम दोनों करामाती कार लेके वहाँ से निकलो,
दो ऑर्डर बॉस। ओए भतीजे, ये तो भाग रहे हैं। ओए भतीजे कुछ चटपट आइडिया निकाल। आइडिया, भागने दो चाचू, इन्हें नहीं पता कि कार का रिमोट मेरे पास है, तो ले चलते हैं इन्हें इनकी असली जगह। चाचू, आप और बहादुर अंकल स्कूटर पे आइए, मैं और बंदूकनी जी कार में पहुंचते हैं। रबावड़ी बूझ भैंस की पूछ, और मनमौजी के गैंग से पहले हमें पहुंचना है वहाँ। अजी ये क्या, इतने सारे कपड़े एक साथ क्यों पहन रहे हो? अरे बहुत सारा सोना फ्री में मिल रहा है, वो लाने के लिए बहुत सारी जेबें चाहिए। बहुत सारा सोना तो फिर सूटकेस, गनी बैग, थैली, वो सब ऑलरेडी कार में रखे हैं, लेकिन सोना उससे भी कई ज्यादा है। तुम भी अपनी साड़ी पर सब कुछ ले लो, लेकिन किसी को बताना नहीं। ओहो, फ्री का सोना, यानी सोने का सेल। ओए, ओ यहाँ, यहाँ आओ। कम से कम अपने दोस्तों को तो बता देती हूँ, ओए किसी को बताना मत। सुनो तो, हेलो सुशी, सोने का सेल, और किसी को बताना मत। सोने का सेल। बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, और पुलिस से पहले चोरों की टोली निकल पड़ी सर। बंदूकनी जी, ये निकल तो पड़ी है लेकिन पहुंच नहीं पाएगी। उसने मुझे नहीं, तुम्हें बोला। अरे अकल के अंधो, भतीजा आगे निकल गया। युकी, मेरे कार्बोरेटर में एक आइडिया अटका है, कहो तो निकाल दूं। हाँ, निकाल निकाल, जल्दी निकाल। मेरे मिरर में दिखाई दे रहा है कि पीछे से चाचा आ रहा है, उसे रोकेंगे तो भतीजे को आना ही पड़ेगा। चलो छुप जाओ। चाचा, यहाँ नहीं सोना, वरना निकल जाएगा काली पहाड़ी का पीला सोना। अब क्या करोगे चाचा? भतीजे के होते चाचू को कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग यहाँ क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो? हाँ चलो, काली पहाड़ी पे पीले सोने की सेल लगी है। रख बावड़ी बूझ भैंस की पूछ और सोने की सेल। ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ, जो आपने बोला, फ्री का सोना तो सेल में ही मिलता है ना। पम्मी आंटी, आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं, मैंने सोने के बारे में नहीं, लेकिन सेल के बारे में सबको बताया। लो जी, ये गई भैंस पानी में। रुको, जाओ, रुको, 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 रुको।
भतीजे, इनका ही वॉकी टॉकी है, यही है सोने के स्मगलर। बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, और कहाँ से सोना? सोना? कौन सा सोना? काली पहाड़ी का पीला सोना। ये हम तो पीली पहाड़ी से काला सोना लेके आए हैं। ओके मतबल। अजी पीली पहाड़ी पे काला सोना यानी कोयला जो हम पहुँचाते हैं। ओ जी, ओ बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। ओ जी चलो, फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। आप लोग भी सुन लो, लालच बुरी बला है और बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। सर 120 रुपए खाते में लिख रहा हूँ। अरे 120 रुपए? लिख ले लिख ले। किसके दिए हैं? जो इसके दूंगा। ये ले इसका बिल, मैं पे करता हूँ। इसका तो दिमाग और जेब दोनों छोटा छे। ओए सेठ भंगार वाला, मेरे दोस्त, मेरे यार। अरे वो सब छोड़, तू मेरा एक काम करने। तेरे को पता है मुझे पुरानी विंटेज कार्स का कितना शौक छे। अरे मैंने फॉरेन में एक पुरानी कार खरीदी थी, लेकिन अभी वो इधर तुम्हारे शहर में बंद पड़ गई है। अब मैं प्लेन यू टर्न मार के फॉरेन जाऊंगा और उसका मैकेनिक लेके आऊंगा। तब तक तू मेरी कार का ख्याल रखेगा क्या? ओए दोस्त के लिए जान भी हाजिर है। कार की देखभाल तो बहुत मामूली चीज है। अरे ये कोई ऐसी वैसी कार नहीं है, करोड़ों रुपए का वैल्यू छे इसका। क्या? ये कार तो मैं लेके ही रहूंगा। अच्छा, अरे फिर तो ये मेरे A1 एजेंसी के काबिल ऑफिसर चाचा के बाए हाथ का खेल है। क्यों चाचा? फिक्र नॉट जी। ओ जी कमाल करना तो मेरी आदत है, बलवंत के बाए हाथ का कमाल देखना है। फिकर नॉट जी, पल्ला जी हो जाएगा। अगर मेरी कार सेफ रही ना तो पल्ला तुम्हारा एजेंसी फायदे में रहेगा, लेकिन अगर मेरी कार को कुछ हुआ ना तो समझ गए ना? अरे डोंट वरी भंगार वाला, A1 एजेंसी की सर्विस भी A1 होती है। ओ भतीजे किधर है वो कार? चाचू वो रही कार वो। चल भतीजे, ये कार नहीं चमत्कार है। चाचू ये तो क्लासिक कार है, इस कार की किताब में लिखा है इसकी स्पीड, इसका मॉडल नंबर, इसका इंजन। ओए भतीजे, ओए मैं अपनी स्कूटर खुद ठीक करता हूँ, तो ये कार क्या चीज है? मेरे तो बाएं हाथ का खेल है। हमें इस कार को ठीक नहीं करना है चाचू, हमें इसका ध्यान रखना है। चाचू दो मिनट, मैं ये मैनुअल पढ़ के कम्प्लीट तो कर लूं। ओए भतीजे, ओए ये कार मेरे साथ कभी टेबल टेनिस खेल रही है और तो कभी लॉन टेनिस। ओए जल्दी कुछ कर। ओके चाचू अभी बंद करता हूँ। वाले के नाम पे दे दे। चिच्चे, मेरे सिर्फ सपने करोड़पति बनने के हैं, लेकिन करतूते भीख मांगने वाली है। ओए मेरी
कमर। चाचू आप ठीक तो हैं? ओए पति जे तेरे होते मुझे कुछ हो सकता है। चाचू हमें किसी भी तरह ये गाड़ी A1 एजेंसी ऑफिस तक लेके जानी पड़ेगी। ओए पति जे पर कैसे? आइडिया, गाड़ी को धक्का देकर स्लोप पर ले चलते हैं, तो इंजन शुरू हो जाएगा और शायद ये काम करने लगे। ओए पति जे नेकी और पूछ पूछ, चलो चलते हैं फिकर नॉट। ओए भतीजे वो क्या सुपर दिमाग है तेरा? चाचू सामने देख के चलाइए, और आप इस कार को चलाना तो जानते हैं ना। ओए भतीजे तू चिंता मत कर। ओए चाचा कैसे कर दिया तूने? सेठ भंगार वाला तो फॉरेन से मैकेनिक लाने गया है। ओए पल्ला जी ईस्ट और वेस्ट चाचा भतीजा इज द बेस्ट, इससे तो मैं रेस में पाक के नंबर वन आ सकता हूँ। ओए ये तो सही है, जब तक भंगार वाला लौटेगा मैं यहाँ पुराने कार्स की रेस करवा दूंगा और टिकट लगा के पैसे कमाऊंगा पैसे। ओए ओए रुक जाओ, सुनो सुनो सुनो, अब होगी फंटूस नगर में पुराने कार्स की रेसिंग। आसपास के सारे शहरों से विंटेज कार्स बुलाई जाएंगी, जो भी जीतेगा उसे मिलेगा भारी भरकम इनाम। लेकिन अगर गाड़ी को कुछ हो गया तो? गाड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। जो मैं बोल रहा हूँ वो करो वरना सैलरी से पैसे कट। ये कार तो मैं लेके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए टंका ही रेस जीतेगा। ओए चिचे लेकिन तू पुरानी कार कहाँ से लाएगा? अरे अकल के दुश्मन, नई कार को ही पुरानी कार बनाएंगे। ऐसा क्या? ओए ये देख, हम जाएंगे तो अपनी ही जीप लेके, लेकिन उस पे चढ़ाएंगे ये पुरानी कार के पुर्जे। वाओ जिज्जे, न्यू कार विद ओल्ड लुक। जिसके नसीब में जितना है उसे उतना ही मिलेगा। कोई भी कार लाओ, ये रेस तो टंका ही जीतेगा। तुरुरू, अब रेस शुरू होगी पुराने कार्स की। एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है, जगह नहीं तकरार की खटाक। चाचू संभाल के, कार में एक भी खरोच आई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ओए भतीजे फिकर नॉट, ये रेस तो हमने ही जीत ली है, क्योंकि ये कार नहीं मक्खन है, मक्खन। थाल की अब तो देखना, चाचा भतीजे की कार की ऐसी तैसी कर दूंगा। लो जी चारों कार तैयार, और भल्ला जी झंडा लेके तैयार, कमाल कर दिया। भतीजे वो ये कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? चाचू पहले स्टार्ट बटन तो दबा दो। अरे नहीं 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 नहीं, कर दिया। चाचू अगर ब्रेक नहीं मारता ना तो एक्सीडेंट हो जाता। ओए लेकिन ऐसे तो हम हार जाएंगे। चाचू इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए,
खरगोश और कछुए की स्टोरी आपने ही तो सुनाई थी। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब तो इनसे डायरेक्ट पंगा लेने का टाइम आ गया। चाचू ये तो चीटिंग हो रही है, ये जीप कोई पुरानी कार नहीं बल्कि 2000 साल का मॉडल है और इस पे अपने पप्पू गैरेज का स्टिकर भी है। अभी इसका मजा चखाते हैं। चाचू हो जाए। ओए जी बिल्कुल हो जाए। चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा।